नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम से एक नई नेता उभर कर बिहार में सामने आई हैं। इनके पार्टी का नाम है फूलरस और फूलरस के सिवान जिला के जीरादेव विधानसभा से प्रत्याशी हैं मार्कंडे कुमार उपाध्याय और बुलेट बाबा। पुष्पम प्रिया चौधरी लगातार सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं और बिहार में क्या क्या संभावनाएँ हैं उसको लगातार अपने शोध कार्यों से लोगों के सामने ला रही हैं और लोगों के सामने एक नए विकल्प के रूप में सामने उभरी हैं। और ज़्यादातर उनके कैंडिडेट्स जो हैं पढ़े लिखे हैं, जो जात धर्म से ऊपर उसकी बात करते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि बुलेट बाबा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और सबसे पहले वे अपने निवास स्थान से चलकर राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास पर पहुँचे, उनको माल्यार्पण किए। तत्पश्चात वे मैरवा ब्रह्म स्थान पर पहुँचे और वहाँ पे पूजा अर्चना किए और मीडिया से मुखातिब हुए। आइए सुनते हैं क्या कहना है मार्कंडे कुमार उपाध्याय बुलेट बाबा का। मार्कंडे कुमार उपाध्याय बुलेट बाबा, बताइए जो जीरादेव से प्रत्याशी पर जी। अगर सबसे पहले रहुआ जाते हैं जीरादेव विधानसभा में जी। जनता के बीच में कौन मुद्दा रखें? जनता के बीच में मुद्दा रखें कि सबसे बड़ा हमारा पार्टी के प्लस हमारे जो मुद्दा बा कि रोजगार, हर हाथ के रोजगार उपलब्ध करावे के बाद। हमारे मैडम के कहना में ये बा कि हमारा हर हाथ के रोजगार दे देते जौना से बिहार समृद्ध बने और शक्तिशाली बने। अभी देखने आप 15 साल लालू जी रहनी है, 15 साल नीतीश जी, दोनों आदमी में क्या विकास हुआ अपने को बताएं? यही से तो हमारे मैडम के नारा बा कि लेट्स ओपन बिहार 30 ईयर्स लॉकडाउन, मैंने जो बिहार में 15 साल लालू जी के 15 साल नीतीश जी के जो राज रहा था वही के मैडम मिला के 30 साल के लॉकडाउन कहते हैं, वही 30 साल के लॉकडाउन जब हमने के खोल दे देते। और वो 30 साल के लॉकडाउन में कैसे पहले परिवर्तन करें? सबसे पहले रोजगार उपलब्ध करें, जितना बंद पड़ल फैक्ट्री बाड़ी सब तो के शुरू करावल जाए, शिक्षा व्यवस्था के मजबूत कल जाए जौना से लोग पढ़ी शिक्षित बनी समृद्ध बनी। तो मान लीजिए रोजगार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन रहा व्यवस्था करें कि सबसे पहले रहा रोजगार हर क्षेत्र में लोग के दिया जाए? हर क्षेत्र में लघु उद्योग के स्थापना करें, मगर हमारे पार्टी के सरकार बनाता तो लघु उद्योग के छोटा छोटा बहुत जन जन बड़ फैक्ट्री बड़ी सर तो पैसा इन्वेस्ट करके शुरू कर लिए कोनो भी फैक्ट्री के लगावे खातिर। मान ली सबसे पहले जमीन के जरूरत पड़ेगा जौन बिहार में उपलब्ध बा, बहुत सारा फैक्ट्री बाकी कुछ रुपया इन्वेस्ट कर से फैक्ट्री शुरू हो सकेला। अभी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में देखा कि का लाचार स्थिति बा स्वास्थ्य केंद्र के, ओकरा बारे में रुआ का कहते हैं? सरकार के नाकामी बा तो रुआ वो क्षेत्र में केंगा देखा था स्वास्थ्य विकास कर स्वास्थ्य के विकास करे में, हर जितना छोटा छोटा हर प्रखंड में अस्पताल बा ओकरा के मॉडल अस्पताल बनावल जाए, बढ़िया डॉक्टर के व्यवस्था कर लिए, बढ़िया नर्स के व्यवस्था कर लिए, बढ़िया दवाई के मेडिसिन के व्यवस्था कर लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।